नमस्कार। गोंडा जिले में सड़कों की समस्या काफी दिनों से चली आ रही है और इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि अब की ऐसी सड़क बनाई जाएगी जो 50 सालों तक चलेगी। आइए कुछ ऐसे ही विवादों में घिरा हुआ एक लौआ डबरा बगैया निश्चल मौजा है जहां पर सड़कों की समस्या काफी दिनों से चली आ रही है। ग्राम पंचायत में कई जगह घूर गड्ढे और हरवार सब कई जगह से अवैध कब्जे थे जिसकी शिकायतें कई दिनों से आ रही थी। हमारे प्रधान जी इस गांव में मौजूद हैं जिन्होंने इस समस्याओं को काफी कायदे से ध्यान दिया है और ये चक्रोड जो काफी दिनों से विवाद में पड़ी हुई थी उसको सही करवा रहे हैं। आइए हम बातचीत करते हैं लौआ टेपरा मोजा के प्रधान जी। प्रधान जी कहाँ गए? हेलो, हाँ आइए हम बातचीत करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। अच्छा, आप ये काफी दिनों से हम लोगों को जो शिकायतें मिल रही थी जिसमें पता चल रहा था कि यहाँ चक्रोड वगैरह कब्जा है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जो आप यहाँ पर मौके पर मौजूद हो के चक्रोड को पटवा रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कुछ चक्रोटे घोर गड्ढा आबादी परिवार अभी भी कब्जा है, उनके बारे में जरा कुछ बता दीजिए, कब तक और कैसे आप खाली करवाना चाहेंगे? हाँ, अभी भी कब्जा है चक्रोड और खलिहान पर, लेकिन धीरे धीरे काम कराया जाएगा, उसको खाली कराया जाएगा। और क्या होता? चलिए, अभी फिलहाल कहाँ तक आप सड़क बनाने की योजना लाए हैं? अब हरिजन बस्ती से बीच रोड तक। अच्छा, ये सड़क जो आप बना रहे हैं कितने फीट की है? ये है 3 मीटर की। अच्छा, पूरे गांव में होते हुए जाएगी कि बाहर बाहर जाएगी? हाँ हाँ, पूरे गाँव में होते हुए जाएगी। अच्छा, इसके बगल में क्या नाली भी बनेगी? नाली नहीं बनेगी, खड़ंजा उड़ंजा लग जाएगा। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वतंत्रवाद से संवाददाता रणवीर सिंह गोंडा। चारों लोग आ जाएं, पांचों